ऑल ऑफ यू, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं विभवमापी का अनुप्रयोग नंबर 2, सेकंड एप्लीकेशन। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो ध्यान से समझना इसको। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करनी है बेटा, तुलना। और इसके आधार पे आपको न्यूमेरिकल संख्या, आंकिक प्रश्न 6.8 तथा 6.10, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड हैं। आपको क्या करना है, YouTube के ऊपर सर्च करना है RBSE फिजिक्स बाय सुरेश सर, और फिर आपको इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही इस टॉपिक के PDF नोट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए बेटा, विभवमापी की सहायता से आपको दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करनी है, तुलना। तुलना करने का सबसे अच्छा तरीका है उनका क्या निकालो बेटा, अनुपात। तो दो सेल होंगे, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 मानोगे और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना मानोगे, E2। आपके पास इन दोनों का अनुपात आप निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगी, तुलना। तुलना का मतलब है आपको प्रयोग से ये बताना है कि ये दो सेल हैं E1 व E2, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, या फिर दोनों बराबर हैं। ये डिक्लेरेशन, ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है, तो वो हो गई इनकी तुलना। इसकी तुलना करने के लिए आप लोग किसको काम में लेना है, विभवमापी। तो विभवमापी का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। तो विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है कि विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। विद्युत वाहक बल का सूत्र था संतुलन लंबाई, मुझे दिखना नहीं आता, संतुलन लंबाई गुना आपके पास विभव परवणता, यही सूत्र था, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से आप विद्युत वाहक बल निकालोगे, एक बार तो E1 निकालोगे, एक बार क्या E2, और फिर इनका क्या निकालना है हमें, अनुपात। जब आप विभवमापी काम में लो तो हमेशा विभवमापी का प्राथमिक परिपथ तो बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले वो बना लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक सेल लेंगे जिसका विद्युत वाहक बल कितना EP, इसको ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी K1, तथा इस परिपथ की धारा को नियंत्रित करना है इसलिए धारा नियंत्रक RH, साथ ही 10 मीटर लंबा विभवमापी तार जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा AB, और हमने मान लिया कि इसे विभवमापी की विभव परवणता, क्या बेटा विभव परवणता कितनी है, x है, ठीक है। अब आपको वो दो सेल लेने हैं जिनका विद्युत वाहक बल की आपको तुलना करनी है। तो ये प्रथम सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 और ये द्वितीय सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2। परंतु ये बात ध्यान रखना कि ये जो टर्मिनल A है ये उच्च विभव होना चाहिए। देखो प्राथमिक परिपथ का पॉजिटिव भी A पे जुड़ता है, तो अब जितने भी सेल काम में लोगे उन सब का पॉजिटिव A पे ही आना चाहिए, तो ही ये आपके पास प्रैक्टिकल हो पाएगा, आप संतुलन लंबाई प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज वो आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने प्रथम सेल का पॉजिटिव भी A से जोड़ा और द्वितीय सेल का पॉजिटिव को भी A से ही जोड़ा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग लगाते हैं एक द्विमार्गी कुंजी, इसको हिंदी में बोलते हैं वन मार्गी कुंजी, एक मार्गी कुंजी, या इंग्लिश में बोलते हैं वन वे की, इसको बोलते हैं टू वे की। अगर मुझे इसकी फोटो नेट पे मिल गई तो मैं साइड में दिखा दूंगा कि किस प्रकार से ये आपको दिखती है, और इसका ये जो मध्य सिरा है द्विमार्गी कुंजी का वो सदैव जोड़ा जाएगा गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को हम अटैच करते हैं ज्योति से। ये टर्मिनल या ये आपके पास बिंदु एक्स है, ये वाई और ये जेड, सामान्यतः ये एक कुंजी है और ये एक कुंजी है, दो कुंजियों का संयोजन है, इसलिए इसको बोला गया है द्विमार्गी कुंजी।
इसके मध्य जब कुंजी लगाओगे तो वो कुंजी बनेगी K2, और इसके मध्य जब कुंजी लगाओगे तो वो क्या बनेगी बेटा, K3। अब आपको काम क्या करना है ध्यान दीजिए, यहां सर्वप्रथम कुंजी K2 लगाकर सेल E1 के लिए लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। देखो ये जो कुंजी K2 है इसको ऑन कर लें, सॉरी इस कुंजी K2 को जब आप ऑन करोगे तो बताओ क्या इसे द्वितीय सेल में कोई धारा जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि ये यहां से क्या है, खुला परिपथ, और खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता तो हम अब इसकी गणना नहीं करेंगे। ठीक है, कुंजी K2 हमने बंद कर दी। बंद करने के बाद पता लगा कि ये जो K2 बंद करने के कारण जो सेल E1 है वो किससे जुड़ गया, गैल्वेनोमीटर से। सेल E1 किससे जुड़ गया, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर किससे जुड़ा है, ज्योति से। अब हम इस प्रथम सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करोगे बेटा, इस ज्योति को इस ABY पे अलग अलग बिंदु पे टच करना, यहां टच करके देखो, और देखना क्या है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आ जाए, शून्य। देखोगे तो टच करने पे जीरो नहीं है, तो किसी दूसरे बिंदु पे टच करके देखो। मान लीजिए यहां टच करने से इस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आ गया, अर्थात इसमें बहने वाली धारा कितनी हो गई, जीरो। तो जिस बिंदु पे ये जीरो आया वो लंबाई आपको नाप लेनी है, वो कहलाएगी प्रथम सेल की संतुलन लंबाई L1। तो ये L1 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुंजी K2 को लगा दिया, बंद कर दिया, और सेल E1 के लिए क्या ज्ञात कर लिया, संतुलन लंबाई। तो E1 बराबर क्या होगा, आपने पढ़ा विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं, संतुलन लंबाई गुणा विभव कोणता। प्रथम सेल के लिए संतुलन लंबाई कितनी निकाली आपने, L1, वह इसकी विभव कोणता कितनी मान रखी बेटा, एक्स। तो E1 बराबर हो गया L1 गुना X। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, द्वितीय सेल के लिए भी संतुलन लंबाई निकालनी। इसके लिए क्या करना है, इस K2 की को बाहर निकाल देना, मतलब कि ये क्या बन जाएगा, खुला परिपथ, और उस की को K3 के साथ जोड़ देना। अब कुंजी K2 को कुंजी K3 को लगाते हैं तथा सेल E2 के लिए संतुलन लंबाई L2 ज्ञात करते हैं। क्या करना है, कुंजी K2 को हटाना है, हटा दिया, और K3 को लगाना है, लगा दिया, और सेल E2 के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे, जो कितनी आएगी, जो भी आएगी उसको क्या नाम दे देंगे, L2। तो वही तरीका ज्ञात करने का, ज्योति को इस AB तार पे तब तक चलाओ जब तक गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण कितना नहीं आ जाए, शून्य। मान लीजिए वो बिंदु ये था जहां विक्षेपण जीरो आया, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को क्या लिख देना बेटा, L2। ये L2 किसकी संतुलन लंबाई है, सेल E2 की। तो सेल E2 का मान क्या होगा, सेल E2 क्या होगा, सर विद्युत वाहक बल है, वो क्या होता है, संतुलन लंबाई गुणा विभव कोणता। तो सेल E2 के लिए संतुलन लंबाई है L2, और इसकी विभव कोणता कितनी है बेटा, x। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 का क्या दे देना बेटा, भाग। तो E1 पट्टे में E2 बराबर L1 x बट्टा L2 x, x से x कट जाएगा तो ये मान कितना आएगा, E1 बट्टा E2 बराबर होगा L1 बट्टा L2 आपके पास है। E1 और E2 बराबर कितना है, L1 बट्टा L2। E1 के सामने L1 है, E2 के सामने L2 है, अर्थात जो विद्युत वाहक बल है वो समानुपाती है
संतुलन लंबाई के, क्योंकि ये इनके बराबर में है। अगर ये समानुपाती है तो देखो आप क्या क्या बातें बोल सकते हो इसके आधार के ऊपर, ध्यान देना यहां। यदि L1 बड़ा आता है L2 से, भाई ये तो नाप के आप देख सकते हो ना कौन बड़ा कौन छोटा। अगर L1 बड़ा हो किससे, L2 से, तो आप बता सकते हो कि E1 ज्यादा होगा किससे, E2 से। मुझे E1 और E2 के मान नहीं पता, फिर भी मैं ये बता सकता हूं कि अभी E1 बड़ा है और E2 का मान क्या है, छोटा, क्योंकि हमें इनकी क्या करनी है, तुलना करनी है। यदि ऐसा है तो आप ये डिक्लेयर कर सकते हो। यदि अलग केस हो, L1 छोटा आ जाए किससे, L2 से, तो आप क्या बोल पाओगे, E1 का मान कम होगा किससे, E2 से। और यदि ऐसा हो कि L1 और L2 की लंबाई बराबर आ जाए तो आप बोल देना E1 और E2 के मान क्या रहे होंगे बेटा, बराबर रहे होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।